लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया। आई नजर डालते हैं अभी की ताजा खबरों पर। मंडीदीप के थाना सतलापुर पर पुलिस ने एक मालवाहक ट्रक से बरामद किए गौवंश, फरार गौ तस्करों की तलाश में जुटी पुलिस। रायसेन में 5 साल की बच्ची के इलाज के लिए भटक रहे गरीब परिवार की पत्रकार ने की मदद। बीमारी से ग्रस्त बच्ची का कोई नहीं कर रहा था इलाज, कमलनाथ सरकार के मुंह पर करारा तमाचा। सोशल मीडिया पर मांगी बच्ची के लिए मदद। गरोट में चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। 6 माह में हुई चोरी की घटनाओं के बाद भी पुलिस नहीं पकड़ पा रही है चोरों को। रायसेन जिले की औद्योगिक नगरी मंडीदीप के थाना सतलापुर अंतर्गत एक मालवाहक ट्रक ने नेशनल हाईवे 12 पर एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। विवाद बाद वहां मौजूद लोगों ने गौवंश ले जाती हुई ट्रक को देख लिया। गौरतलब है कि सोमवार को नेशनल हाईवे 12 पर सतलापुर थाना अंतर्गत एक यूपी पास ट्रक ने स्थानीय व्यक्ति को कट मारते हुए बाजू से निकली, जिससे बाइक सवार युवक नीचे गिर गया और पास में खड़े लोगों ने ट्रक का पीछा करते हुए रोक लिया। जब तक चालक को स्थानीय लोगों ने मारपीट शुरू करना चाहा, इससे पहले ट्रक चालक और उसका साथी भाग खड़े हुए। जब लोगों को अंदेशा हुआ कि ये भागे क्यों, तो पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी को चेक किया तो उसमें गौवंश मिले, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। वहीं स्थानीय नागरिकों द्वारा गौवंश को भारी मशक्कत के बाद सुरक्षित गौशाला पहुंचाया गया। अवैध रूप से गौ तस्करी का यह पहला मामला नहीं है, इससे पूर्व में भी इस प्रकार की घटना घटित होती रही है, लेकिन शासन प्रशासन कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है। समय रहते आज अगर स्थानीय नागरिकों द्वारा वाहन को रोका न गया होता तो ना जाने कितने बेजुबान जानवरों की बलि चढ़ गई होती। गौ तस्कर करने वाले खुलेआम वाहनों में बेजुबान जानवरों को लगातार इस गौरख धंधे से लाखों की कमाई अर्जित करने में लगे हुए हैं। जब उत्तर प्रदेश से ये वाहन मध्य प्रदेश में दाखिल होते हुए नेशनल हाईवे क्रमांक नंबर 12 पर पहुंचा, तो इससे यह साबित होता है कि कहीं ना कहीं पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। दो प्रदेशों को क्रॉस करते हुए यह आरोपी गौवंश को कहां लेकर जा रहे थे, पुलिस इसका पता लगाने में जुटी है। रायसेन से तारिक खान की रिपोर्ट। आज दिनांक 21/10/19 को सुबह 10:15 के करीब सूचना सत्य प्रकाश मिश्रा सरागिया द्वारा दी गई थी कि राजपुर ढावा के सामने एक ट्रक संदिग्ध अवस्था में खड़ा है, जिसमें मवेशी भरे होने की शंका है। इस आधार पर मौके पर पहुंचा गया और देखा गया कि ट्रक क्रमांक UP 22T 2955 में दो हिस्सों में, ऊपर नीचे दो हिस्सों में बछड़े भरे हैं। हरियादी सतप्रकाश मिश्रा की रिपोर्ट पर प्रकरण धारा 469 मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम एवं 11 घ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का कायम किया गया। बछड़ों को इमलिया गौशाला में सुरक्षित रखा गया तथा उनका उपचार कराया गया। दो बछड़े मृत पाए गए, पोस्टमार्टम कराया गया है। मौके से चालक परिचालक भाग गए थे। कहते हैं दुनिया में ईश्वर तो है, वह किसी न किसी रूप में आकर मदद जरूर करता है। कुछ ऐसा ही मामला रायसेन जिले से सामने आया है, जो कमलनाथ के राज पर कई सवालिया निशान खड़े करता है। जहां एक 5 साल की बच्ची के इलाज के लिए दर दर भटक रहे गरीब परिवार की मदद के लिए एक रिपोर्टर आगे आया और सोशल मीडिया पर मदद की गुहार लगाई। वहीं कई लोगों से मदद मिली, लेकिन ये सिस्टम के मुंह पर एक बड़ा तमाचा भी है। जहां प्रदेश सरकार बच्चियों को लेकर तमाम योजनाएं चलाकर मंचों पर लाभ देने का ढिंढोरा पीटती है, लेकिन ये बच्ची के इलाज के लिए अभी तक शासन प्रशासन से कोई बड़ी मदद नहीं मिली है। वहीं ये मासूम आज जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है, लेकिन शासन प्रशासन को कोई सुध नहीं है। देखिए हमारी
खास रिपोर्ट में। अजब एमपी की गजब दास्तां, जहां सिस्टम की लापरवाही और बेरुखी इस मामले से पता चलती है। जहां रायसेन जिले की बरेली तहसील के भोड़िया निवासी 5 वर्षीय मासूम पलक मालवी गंभीर बीमारी से ग्रसित है, वहीं गरीब माता पिता ने बरेली रायसेन और हमीदिया में भर्ती कराया, लेकिन सही इलाज नहीं किया जा रहा था और गरीब माँ बाप को हमीदिया से भगा दिया गया, जिसके बाद गरीब माँ बाप के पैसे की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस कारण बच्ची को घर लेकर आ गए। कुछ दिनों बाद जब एक पेपर में न्यूज को पढ़कर न्यूज बनाने पहुंचे प्रिंट मीडिया के संवाददाता देवराज दुबे ने बच्ची की हालत देखी तो बिना देरी किए भोपाल के प्राइवेट जेके हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां अब 4 दिन बाद बच्ची की हालत में सुधार आया है। वहीं केंद्र सरकार की योजना आयुष्मान कार्ड ना होने पर कार्ड बनने का फॉर्म भरकर सोशल मीडिया पर बच्ची के इलाज के खर्च के लिए पैसे की गुहार लगाई, जिसके बाद कई लोगों ने तत्काल मदद की और अभी लोग मदद कर रहे हैं। 4 दिन से PICU में बच्ची का इलाज चल रहा है। अब तक लगातार 4 दिन में 40,000 से 50,000 का खर्च आ चुका है। वहीं बच्ची का आयुष्मान कार्ड भी बन गया है, पर बीमारी बड़ी होने के कारण आयुष्मान कार्ड के अलावा भी बाहर से दवा लानी पड़ती है। वहीं स्थानीय विधायक ने हॉस्पिटल पहुंचकर मासूम बच्ची पलक के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और बच्ची के इलाज के लिए पूरी मदद का आश्वासन दिया, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आश्वासन देने से बच्ची का इलाज तो नहीं हो सकता। वहीं बच्चे की मदद के लिए सोशल मीडिया पर जैसे ही सूचना डाली गई, जानकारी लगते ही लोगों ने इलाज के लिए पैसे की हेल्प की, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा इस मासूम बच्चे के इलाज के लिए कोई विशेष मदद के निर्देश अभी तक नहीं दिए गए हैं, जबकि ऐसा नहीं है इस मासूम की जानकारी शासन प्रशासन को ना हो। जहाँ केंद्र और राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लाख दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां करती है। रायसेन से तारिक खान की रिपोर्ट। एक न्यूज अखबार में खबर प्रिंट हुई थी, वो जो कि एक मेरे मित्र हैं रचित सर हैं भोपाल में, तो उन्होंने मेरे को कटिंग भेजी थी और बताया था उन्होंने कि इस बच्चे की हेल्प करो आप, देखो। मैं जब बच्ची के पास पहुंचा, मैंने देखा उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, बच्चे के पेट पर सूजन थी, उसके अलावा उसको किडनी में प्रॉब्लम बता रहे हैं और अपना क्या बोलते हैं किडनी के अलावा जो लीवर में प्रॉब्लम है उसकी। तो मैंने देखा बच्चे की हेल्प करना चाहिए और वहाँ मैंने लोगों से बात की, उस टाइम पे कोई आगे नहीं आया, लेकिन मैं बच्ची को लेके जेके हॉस्पिटल आ गया। यहाँ पे आने के बाद मैंने सोशल मीडिया पर इसकी पहल की, सोशल मीडिया पर लोग आए, लोगों ने इसकी मदद की, तो सभी लोग अभी मदद कर रहे हैं, मीडिया की तरफ से पूर्ण मदद की जा रही है। लेकिन एक बात करी जाए ये कि प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, स्थानीय प्रशासन और स्थानीय नेताओं के लिए एक बड़ा सवाल है, इसको लेकर स्थानीय नेताओं और प्रशासन ने क्या किया है अभी तक? अभी तक तो प्रशासन से वैसे वहाँ से कोई स्थानीय प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली है। हालांकि विधायक जी यहाँ पे आए थे, उदयपुरा के जो क्षेत्रीय विधायक हैं देवेंद्र पटेल जी, वो आए थे, उन्होंने मदद की है कि अपने उदयपुरा से रामपाल जी हैं जो तो पूर्व शासन में मंत्री रहे, उन्होंने भी मदद की है। अभी काफ़ी लोग आ रहे हैं, सोशल मीडिया से सब जुड़े हुए हैं। डॉक्टरों द्वारा क्या आश्वासन दिया जा रहा है बच्ची? डॉक्टरों द्वारा बताया जा रहा है बीमारी काफ़ी ज़्यादा गंभीर है और जो कि उसका इलाज कंटिन्यू अभी चलेगा। सर मैंने बरेली में इलाज करवाया, बरेली से सर डायरेक्ट भोपाल रेफर कर दिया, हमीदिया पहुंचा तो उसका इलाज सही नहीं हो पाया तो सर मैं घर ले गया। घर ले जाके फिर सर मुझे मीडिया की मदद मिली और सब भाई लोगों की मदद मिली मुझे, फिर वहां से भोपाल में हूँ जेके अस्पताल में सर, जहाँ इलाज भी सही हो रहा है और सब लोगों की मदद से सब काम ठीक हो रहा है। लगभग कितने अभी क्या क्या मदद मिली किसी स्थानीय नेताओं से या किसी स्थानीय लोगों से या स्थानीय प्रशासन से कोई मदद मिली आपको? सर सब मेरे खाते में पैसे डाल रहे हैं जी, सब लोगों की मदद है, विधायक साहब भी यहाँ पे आ चुके हैं जी। और ये अभी क्या स्थिति है बच्ची की? बच्ची की स्थिति क्या है सर, 2 किलो वजन कमा, अभी 2 किलो वजन कमा है। सर हमारी लड़की को एक दिन बुखार आया था रक्षाबंधन के बाद, फिर अपने आप बुखार उतर गया, फिर उसके बाद आंगनबाड़ी वाली सहायिका आई, उनने मोड़ी को देखा, बरेली रेफर करा, फिर वहाँ से रायसेन भेजा दिया, रायसेन वालों ने नहीं झेला ना कोई मदद करी, बोले किसको ले जाओ यहाँ नहीं होगा इलाज, फिर सर वहाँ से भोपाल भेजा दिया हमीदिया, तो हमीदिया में सर बोले कि पड़ी रहने तो हो जाएगी, ठीक तो हो जाएगी, नहीं तो ले जाना यहाँ से। सर 7 दिन रखा, वहाँ पर कोई इलाज नहीं हुआ उसका, फिर वहाँ सर घर ले आए, फिर गांव के पटेल ने रणधीर धाकड़
बिन ने देखा मोड़ी है, बिन ने अब सर से बात करी, फिर आज सर जो कुछ भी है मेरी लड़की के साथ, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ सब सर है, सर मेरे साथ उसी दिन से हैं, मेरी लड़की को ठीक कराया और जो कुछ मदद मांगती हूँ वो मुझे सर दिलाते। मतलब लोगों से मदद काफ़ी मिल रही है? हाँ, गांव वालों से भी मिली और सर से बहुत ज़्यादा मिली। लेकिन स्थानीय प्रशासन या कोई नेताओं द्वारा कोई मदद मिली अभी तक? अभी तो पता नहीं सर, विधायक साहब से। अब कैसी है बच्ची की स्थिति, कैसी है? अब सर अच्छी है। मंदसौर जिले के गरोट में चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। वहीं पुलिस के हाथ अभी भी चोरों से कोसों दूर हैं। आज से 6 माह में हुई चोरी की घटनाओं के बावजूद भी पुलिस चोरों की नाक में नकेल नहीं कस पा रही है। रविवार की मध्य रात्रि को चोरों ने सेंट्रल बैंक के एटीएम सहित 4 दुकानों के ताले तोड़े। रात को ही सूचना मिलने के बावजूद भी पुलिस चोरों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। वहीं सीसीटीवी में चोर है स्पष्ट दिखाई दे रहा है। नगर में चौथी बार सेंट्रल बैंक को चोरों ने निशाना बनाया तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की 5 दुकानों के ताले भी तोड़ दिए। हालांकि चोर ज्यादा बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे पाए। चोरों ने रॉयल टेलर की दुकान से करीब 29 कपड़े लेकर गए। उधर नकदी और कीमती वस्तुओं की चोरी के बाद व्यापारियों में भी खौफ है। रिपोर्ट News 29 इंडिया। जब मैं आया तो पूरी दुकान में कपड़े बिखरे हुए थे और कम से कम 40-45 मेरे गायब लग रहे हैं और पास में बहुत सारी दुकानों के ताले तोड़े गए। कितना माल गया होगा कुछ पता चला? 15-20 और अभी देखने के बाद मालूम पड़ा है। कितनी जगह ताले टूटे आज? 5 से 6 जगह। कौन सा एरिया है? राजगुरी कॉम्प्लेक्स और राजगुरी कॉम्प्लेक्स से पोस्ट ऑफिस के पास। बांदा के बबेरू कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में अन्ना पशुओं से परेशान किसानों ने सारे अन्ना पशुओं को एक प्राथमिक विद्यालय के अंदर बंद कर दिया और ताला लगाकर वहीं बैठ गए। जब सुबह अध्यापक पढ़ाने के लिए आए तो किसानों ने साफ कह दिया कि विद्यालय नहीं खुलेगा। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने सभी अन्ना पशुओं को बाहर निकलवाया। मामला बांदा के बबेरू कोतवाली क्षेत्र के ग्राम तराया में किसान पशुओं से परेशान है। इसको लेकर आज गांव के सभी किसान सभी अन्ना पशुओं को प्राथमिक विद्यालय में बंद कर दिया और ताला लगाकर गेट पर ही बैठ गए। जब सुबह विद्यालय पर अध्यापक व बच्चे पहुंचे तब विद्यालय के गेट का ताला किसानों ने नहीं खोलने दिया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची डायल 100 पुलिस ने लोगों को समझाने का प्रयास किया लेकिन किसान नहीं माने। बाद में समझा बुझाकर ताला खुलवाया और सभी अन्ना पशुओं को विद्यालय के बाहर निकलवाया। किसानों का कहना है कि अन्ना पशुओं ने सैकड़ों बीघे की फसल धान अरहर सब नष्ट कर दिया है। पशुबाड़ा भी बनाया गया है लेकिन ग्राम प्रधान व सचिव के शह से रात में अन्ना पशुओं को निकाल दिया जाता है जिससे यहाँ के किसान पूरी तरह से परेशान है। ब्यूरो रिपोर्ट News 29 इंडिया। लगभग 12 बजे प्रशासन आया और प्रशासन ने अपने स्वयं आकर विद्यालय का ताला तोड़वाया और बंद जानवरों को निकलवाया। उसके बाद जो है सफाई कर्मी सुबह से ही यहाँ मौजूद था, उसने तुरंत सफाई का कार्य शुरू कर दिया और बच्चों को सफाई के उपरांत कक्षाओं में बैठाया गया। अब मैं प्रशासन की मदद के उपरांत विद्यालय को कक्षा में बैठा कर अब परीक्षा कार्य एवं शिक्षण कार्य दोनों संचालित होगा। जी कितने विद्यालय में यहाँ पर अध्यापक कार्यरत हैं? इस विद्यालय में मैं अकेला अध्यापक कार्यरत हूँ। अच्छा, इस विद्यालय में कितने छात्र पंजीकृत हैं? 185 छात्र पंजीकृत हैं। अकेले देख रहे हैं? भगवानपुरा के ग्राम सिरवेल में दिनों दिन स्वास्थ्य सुविधाएं की हालत बद से बदतर होती जा रही है। सिरवेल के स्वास्थ्य सेंटर पर महिला चिकित्सक 3 माह से नहीं है। यही परेशानी की वजह है कि गर्भवती महिलाओं को प्रसव करवाने के लिए सिरवेल से खरगोन जिला चिकित्सालय खरगोन जाना पड़ रहा है। ऐसी ही एक दर्द विदारक घटना मंगलवार सुबह देखने को मिली। सिरवेल पंचायत से 13 किलोमीटर दूर बुड़कीमाल आदिवासी फालिया के उबड़ खाबड़ मार्ग से बरसते पानी में बाइक से बैठाकर एक गर्भवती महिला नंदली बाई पति भारत को सिरवेल के स्वास्थ्य सेंटर लाया गया। इतनी मशक्कत से महिला को लाने के बाद परिजनों को ये पता चला कि महिला चिकित्सक पिछले 3 माह से नहीं है और ये सुनकर परिजनों के होश उड़ गए।
उधर प्रसव के लिए दर्द से तड़प रही महिला को देख परिजन घबरा गए। तभी वहां मौजूद आशा कार्यकर्ता अनीता कनासे की सलाह पर परिजन गर्भवती महिला नंदली बाई को खरगोन ले जाने के लिए तैयार हुए। इस सेंटर पर एम्बुलेंस का भी साधन नहीं होने से परिजनों ने प्राइवेट वाहन को तलाशना शुरू किया। तब कहीं घंटों मशक्कत व इंतजार के बाद महिला को खरगोन जिला चिकित्सालय रवाना किया गया। भगवानपुरा से रजा खान की रिपोर्ट। सिस्टर नहीं है, स्टाफ नहीं है, यहाँ पर लोग आ रहे हैं तो उनको क्या जवाब दे रहे हैं? उनको आगे जाओ बोल रही हूँ मैं, एम्बुलेंस भी नहीं है, डायरेक्ट अपने अपने साधन से जाओ बोल रही मैं। अब मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ पे? अभी कोई यहाँ पर डॉक्टर वॉक्टर कोई आने का कोई भी नहीं है यहाँ पे। अभी कौन कौन? अभी एक आरती चंदेल करके सिस्टर है, वो फील्ड में वर्कर है, फील्ड में काम करती है, वो डिलीवरी पॉइंट पे नहीं है। जो सिस्टर यहाँ सुकमा डूबे थी उनको वापस रायसागर कर दिया, तो यहाँ डिलीवरी वालों की परेशानी हो रही है। और गाड़ी भी नहीं है, एम्बुलेंस भी नहीं है यहाँ पे। एम्बुलेंस की सुविधा रहे तो अपन आगे भी कर सकते। तो विभागीय तौर के ऊपर तुमने डॉक्टर को सूचना दी है? हाँ दी थी, कल मैं सर को फोन लगाया था मैंने। तो क्या बताया? उन्होंने कहा है कि भाई स्टाफ जिस दिन होगा उस दिन हम भेज देंगे, डिलीवरी पॉइंट का कहीं ना कहीं करते हैं करके सबने बोला था। अस्पताल में डिलीवरी पॉइंट बंद कर दिया पिछले करीबन 5-6 दिन से। तो जो सिरवेल के आसपास 9 पंचायतें लगी जिसमें 35 से 40 गांव हैं, तो लोग यहाँ आते हैं डिलीवरी पॉइंट पर, यहाँ डॉक्टर नहीं है, मात्र आशा कार्यकर्ता है जो कि डिलीवरी करवा ले सकती है। अभी ये कंडीशन है कि ना तो यहाँ 108 है ना जननी की सुरक्षा, इसके कारण बहुत तकलीफ है। तो जब से डिलीवरी पॉइंट बंद हुआ है करीबन 7-8 डिलीवरी यहाँ आ चुकी है। गरीब आदिवासी क्षेत्र है, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि सिरवेल से खरगोन ले जाने के लिए करीबन 2000 रुपये गाड़ी का भाड़ा लगता है। तो गरीब आदिवासियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता जा रहा है, इनकी जान बनी हुई है। अभी बाहर बड़ी तड़प रही है, यहाँ ना कोई डॉक्टर है, ना कोई नर्स है, ना कोई डिलीवरी करवाने वाला है। आशा कार्यकर्ता यहाँ अस्पताल में मौजूद है, लेकिन आशा कार्यकर्ता डिलीवरी तो करवा नहीं सकती है। इसलिए जो नई जिला CHMO आई है उनको मैं इधर ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूँ कि एक बार सिरवेल की ओर आए, इस क्षेत्र को देखे कि कितना पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, कितना जिले से 60 किलोमीटर दूर है, कोई साधन नहीं है, और ऐसी जगह डिलीवरी पॉइंट बंद करा देना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए मैं इसके मामले में अभी कोई से नेता लोगों से अभी मैंने सांसद महोदय को फ़ोन किया है, गजेंद्र पटेल जी को, उनसे मेरी चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि मैं जिला CHMO से बात करता हूँ, और क्षेत्रीय विधायक केदार डावर से भी मेरी बात हुई है, उन्होंने भी कहा है कि मैं जिला CHMO से बात करता हूँ, और डॉक्टर कलमे से भी मेरे भी फ़ोन पर बात हुई है। उन्होंने कहा है कि आगे से ही आदेश आए, जो लोग यहाँ पर पदस्थ थे उनको वापसी वहाँ बुला लिया गया है, अब जैसी व्यवस्था होगी जब डिलीवरी पॉइंट चालू कराया जाएगा। अभी जो यहाँ पर पेशेंट आए हैं इनकी अभी यहाँ से खरगोन भिजवाने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही? अभी इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, हम गांव वाले मिलकर कई व्यवस्था करवा के इनको प्राइवेट गाड़ी से खरगोन भिजवाते हैं, तूफान उफान करवाते हैं। कहाँ के लोग आए हैं? ये बुड़की के हैं, जो कि यहाँ से 13 किलोमीटर दूर है, और करीबन 2 रोज से पानी रात दिन एक ऐसा गिर रहा है, बाइक के ऊपर ये लोग अपने पेशेंट को लेके आए हैं पड़ते हुए पानी पे। अगर इसको देखा जाए तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, आज दुनिया चांद पे जा रही है और आज भी हमारा आदिवासी क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ है, जो इलाज के अभाव में लोग मरते जा रहे हैं। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही, लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।